सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मेरे सामने है मेरी ग्रैंड विटारा। ऑलमोस्ट ये गाड़ी चल चुकी है 6000 प्लस किलोमीटर्स और 6 महीने से इसको ऊपर टाइम हो चुका है। जनवरी 2024 25 जनवरी को ये गाड़ी मैंने डिलीवरी ली थी शोरूम से। और बात करते हैं अगर इसके ऑल ओवर ओनरशिप की कि 6000 किलोमीटर चलने के बाद एक कैसा फील रहता है गाड़ी का, अगर आप गाड़ी को लेते हैं, अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं बेसिकली ग्रैंड विटारा लेने के लिए, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहेगा फ्यूचर में, अगर आप सोच रहे हैं उसको, डर रहे हैं लेने के लिए गाड़ी के साथ कि यार क्या बिल्ड क्वालिटी रहती है, क्या एक माइलेज एक्सपीरियंस रहता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है हिल्स पे, क्या परफॉर्मेंस है इसकी हाईवे पे, तो वो सारे डाउट्स मैं आज वीडियो में कवर करने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ इसके मेन चीज़ की कि ऑल ओवर बिल्ड कैसी है गाड़ी की, जो एक मेजर चीज़ चलती है यार मार्केट के अंदर। देखो बिल्ड क्वालिटी बहुत एक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है। अभी क्रैश टेस्ट भी इसका हुआ था तो चार स्टार स्कोर करें इस कार ने। अब वो कितना सच है कितना नहीं, बट देखो मैं उस चीज़ में जाता नहीं स्टार्स के बेसिस में। मुझे प्रैक्टिकलिटी चाहिए थी कि भाई मैं अगर गाड़ी ले रहा हूँ शोरूम से तो वो गाड़ी शोरूम से घर आने के बाद घर में ही रहे, सर्विस सेंटर में ना रहे। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो भाई वो चीज़ आपको सिर्फ एक ही कंपनी ऑफर कर सकती है, वो है ये सुजुकी। जो मारुति सुजुकी का यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है ना, यही ऑफर कर सकती है कि भाई गाड़ी जो है वो आपके घर के नीचे ही खड़ी रहेगी। अगर आप कोई और कंपनी लेंगे, मैं यहाँ पे कोट नहीं करता किसी और कंपनी को, सब कंपनीज अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रही हैं, बट जो रिलायबिलिटी है वो सिर्फ दो ही कंपनियों के अंदर है, एक मारुति और एक टोयोटा मेरे नज़र के अंदर। मैं और किसी ब्रांड को इतना तवज्जो नहीं देता, तो वही सारी चीज़ें हो जाती हैं कि मेरे को ऑल ओवर बिल्ड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैं 15 साल से खुद एक मारुति वैगन आर ओन कर रहा था, 2008 मॉडल, हमारे घर के अंदर वो थी, हमने 80-85 हज़ार किलोमीटर उसे चलाया। रनिंग हमारी कोई ज़्यादा नहीं थी उस कार में उस टाइम पे, बट अब मैं अगर बात करूँ तो रनिंग एक डिसेंट रनिंग बन चुकी है गाड़ी। और उस टाइम पे हमने वो गाड़ी पेट्रोल में ली थी और उसको जब उसके 12 साल कंप्लीट हो गए थे तो हमने फॉर अ सेक ऑफ एक्सपीरियंस कि भाई सीएनजी होती क्या है, और लोगों ने कहा कि यार बहुत बचत होती है, बहुत अच्छी रहती है, सस्ती पड़ती है, तो हमने उसके अंदर सीएनजी लगवा ली थी 12 साल के बाद। 12 साल पेट्रोल पे चलाने के बाद अराउंड 60-65 हज़ार के अराउंड हमने पेट्रोल पे उस गाड़ी को चलाया था, उसके बाद हमने सीएनजी लगाई तो हमें दिखा कि सीएनजी के बेनिफिट्स अपनी जगह हैं और वो बेनिफिशियल है, बट अगर आपकी रनिंग बहुत अच्छी ज़्यादा है। और वही चीज़ इस टाइम पे जब हमारी रनिंग बढ़ गई तो हमने नोटिस किया कि एक सीएनजी कार लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा फैमिली के लिए, तो वही सीएनजी कार सोचते हुए एक बजट फ्रेंडली एक सेगमेंट में मैं बात करूँ जिसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाए, एक अच्छा इंजन मिल जाए, एक अच्छी डायनेमिक्स मिल जाए, एक अच्छी आपको इंटीरियर स्पेस मिले, तो उसमें भाई ग्रैंड विटारा मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल मैं कहूँ यहाँ पे सौदा था जो मैंने परचेस किया जनवरी में। और उस टाइम पे ये था कि भाई मेरे को मारुति ही लेनी है क्योंकि मैं और किसी ब्रांड में जाना चाहता था, बट रिलायबिलिटी इश्यूज़ की वजह से मैं यहाँ पे स्विच डाउन नहीं हुआ और मैंने फिर अपना फाइनल कोट इस ग्रैंड विटारा पे ही रखा। टेस्ट ड्राइव मैंने ली थी, सारे ब्रांड्स की ली थी, बट मुझे एंड ऑफ द डे यही पसंद आई थी और 3-2 हफ्ते की वेटिंग पे मुझे मिल गई थी। थोड़ी बहुत जान पहचान थी मारुति में तो उन्होंने दिलवा दी थी, नहीं तो इसकी वेटिंग अच्छी भली होती है भाई ग्रैंड विटारा सीएनजी की। तो ये था पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसके इंजन की बात अगर हम एक बार करें तो इंजन के लिए ज़रा हुड खोलना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ भाई यहाँ पे इसकी फ्यूल लिड और जो हुड है वो दोनों के लीवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, नीचे की साइड नहीं मिलता कुछ भी। अब अगर मैं इसका बोनट खोलूँ तो भाई बोनट खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंजन प्लेसमेंट दिखती है। 1500 सीसी का ये इंजन है और बहुत ही अच्छे टॉर्क और पावर वैल्यू के साथ ये निकल के आता है। 4 सिलेंडर है और कहीं से भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा कि भाई इसके अंदर सीएनजी लगी हुई है एज सच, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सीएनजी प्रॉपर, इसके अंदर रिड्यूसर लगा हुआ है, यहाँ पे एवीएस और ईबीडी यूनिट आपको देखने को मिलेगी। इंजन बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही अच्छा है और ना ही ज़्यादा शोर मचाता है, प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिल जाती है। बट ऑल ओवर मैं बात करूँ नीचे की साइड भी तो भाई प्रॉपर यहाँ पे आपको कवरिंग मिलती है, बट फिर भी भाई बिल्ली बिल्ली घुसी जाती है, पता नहीं कहाँ से क्या घुसते हैं वो लोग और कहाँ पे वो रास्ता बना लेते हैं, तो वो थोड़ा सा इसके अंदर आपको दिखेगा, बट वो तो सेकेंडरी चीज़ है, वो आप अपने हिसाब से इसको नीचे से कवरिंग करवा सकते हैं। मेजर बात करूँ तो भाई 1500 सीसी का इंजन है, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी माइलेज ये प्रोवाइड डाउन कर देता है।
यहाँ पे आपको, मेरे को पर्सनली इसने सिटी में, सिटी ट्रैफिक में विद पेट्रोल विद सीएनजी मोड ऑन एसी के साथ 1 किलो CNG में 26 की माइलेज निकाल के दी है भाई, और बहुत ही अच्छी माइलेज है। पर्सनली मैं बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इसकी माइलेज से, कोई भी दिक्कत नहीं है। रफ़ एंड टफ जितना भी चला लो 26 की माइलेज तो ही निकाल के दे ही देती है, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको किलोमीटर्स भी क्लॉक करवा के दे देती है। इतना बड़ा इंजन है, इतनी बड़ी गाड़ी है, और बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको माइलेज निकाल के देती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। माइलेज इशूज़ में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आप लेना चाह रहे हैं गाड़ी, तो आपको बहुत अच्छी माइलेज निकाल के देगी। हाईवे पे 35 तक की ये माइलेज निकाल देती है, डिपेंडिंग आप कैसे चला रहे हैं। मैंने हाईवे पे इसकी माइलेज टेस्ट किया था तो मेरे को 35 अराउंड इसने माइलेज टेस्ट दिया था, जिसमें मैंने 110 की स्पीड में इसको क्रूज़ किया था, और हाई RPM पे ही गियर चेंज होते हैं वहाँ हाईवे पे, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी मेरे को 35 की माइलेज इसने दी थी, और बहुत ही अच्छी माइलेज दी थी भाई, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आई हाईवे पे भी किसी बेसिस पे। मैं पहाड़ों पे इसको लेके गया हूँ, पहाड़ों की अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एक्सपीरियंस क्या है सिटी, हाईवे और हिल्स का। सिटी का मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है, सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, एसी बहुत शानदार काम करता है। 50 डिग्री के टेम्परेचर में दिल्ली के ज़रा सा भी ऐसा नहीं लगा कि भाई एसी कमज़ोर पड़ रहा है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि भाई 50 डिग्री के टेम्परेचर में एसी जो है वो लोड ले रहा है, और गाड़ी लोड ले रही है, एसी बंद करो हीट अप हो रही है। जो मेरी वैगनार 2008 मॉडल के साथ होता था, बेचारी का 1000 cc का 1.1 लीटर का इंजन था, और उसमें लोड पड़ता था भाई गर्मियों के में, बट इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलती, तो सिटी का चेक आपको देखने को मिलता है। सेकंड बात करूं हाईवे की, हाईवे में भाई आराम से भागती है, 120-130 तक भगाओ, जितनी भगानी है भगाओ, बट रिकमेंडेड मैं कहूँगा 120 से ऊपर मत जाया करो, बट आपको काफ़ी एक अच्छी फील फिनिशिंग देगी। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, अगर हाईवे पे कोई बम्प आता है पता भी नहीं चलता गाड़ी के अंदर की कोई खास आपकी गाड़ी गड्ढे में गई है, तो हाईवे का भी यहाँ पे आपको चेक मिल जाता है। बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे पावर डिलीवरेंस मिलती है सीएनजी मोड में। सेकंड बात करूं, थर्ड बात करते हैं अब इसके अंदर हिल्स के ऊपर। हिल्स के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप चार बंदे बैठे हो गाड़ी के अंदर फुल लोडेड, और उसके साथ आपने पीछे लगेज भी रखा, और सीएनजी टैंक के अंदर भी ऑलमोस्ट सीएनजी फुल है या फिर थोड़ी सी भी कम है, तो भाई सीएनजी अप हिल में, अगर गाड़ी स्टैग्नेंट स्पीड में चढ़ रही है, एकमात्र स्पीड में चढ़ती जा रही है, तो ये चढ़ती जाएगी। बट अगर कहीं पे भी गाड़ी ने ब्रेक ली, और ब्रेक लेने के बाद अगर आप गाड़ी को अचानक से उठाना चाहते हो बिल्कुल जीरो की स्पीड से, बिल्कुल ऐसे सीधी चढ़ाई है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। तो बेटर मैं कहूँगा कि उस पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए आप इसको पेट्रोल पे कर लो, और चढ़ जाएगी पेट्रोल पे आराम से। बट मैं अगर बात करूं, अगर आप सीएनजी पर चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ तो जाएगी सीएनजी पे, बट बेचारी बहुत ज़्यादा लोड लेती है, क्योंकि आप समझें बात को कि है तो इंजन 1500 cc, और उसके बाद आपने सीएनजी लगा दी, सीएनजी में पावर कम हो जाती है, और उसके बाद फुल लोडेड कार है। अगर गाड़ी फुल लोडेड नहीं है तो आराम से चढ़ जाएगी भाई सीएनजी में भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और देखो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं रही। अगर एकमात्र पीरियड के लिए अगर आपको थोड़ी सी पेट्रोल पे चलानी भी पड़ती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, इतना अगर आप लोडेड, मेरी गाड़ी तो काफ़ी हद तक लोडेड थी कार उस टाइम पे, तो अगर इतनी ज़रा सी दिक्कत आ भी रही है तो मैं कहूँगा कि ये कोई मेजर दिक्कत नहीं है मेरे लिए। और अगर मैं बात करूँ रफ़ एंड टीयर की, नेक्स्ट एक छोटे मोटे पॉइंट की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, 6000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अगर आप देखें तो अभी इंटीरियर से मेरी गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी स्टॉक है। गाड़ी के अंदर मैंने अंदर इंटीरियर सीट कवर से कोई काम नहीं करवाया, सीट कवर क्वालिटी जो कंपनी की तरफ से मिलती है ये फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री ही देखने को मिलती है, डिसेंट इनफ है, फोम भी इसके अंदर डिसेंट इनफ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो डोर पैड्स हैं उसके ऊपर भी आपको ये फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री ही देखने को मिलती है। जल्दी से इसका इंटीरियर की प्रॉपर कस्टमाइजेशन की वीडियो भी आएगी, अभी थोड़ी गाड़ी गंदी हो रही है, बारिशों का मौसम चल रहा है भाई दिल्ली में, जितना साफ कर लो उतनी गंदी हो ही जाती है। और बाकी पीछे की अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर वाइज तो कोई गाड़ी में भाई दिक्कत है नहीं, 6000 किलोमीटर चल चुकी है। अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं भी तो आप यहां देख सकते हैं इजीली, अगर मैं बात करूं 6161 चल चुकी है, तो 6000 से ऊपर किलोमीटर ये क्लॉक कर चुकी है। और सीट हाइट एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीन बहुत अच्छी देखने को आपको इसके अंदर मिलती है, मतलब फीचर लोडेड है भाई। और मैंने तो काफ़ी पैसा भी लगा दिया गाड़ी के ऊपर, मॉडिफिकेशंस काफ़ी सारी हुई हैं, जिसने अभी तक नहीं देखी और कोई प्लान कर रहा है कि भाई मैं कैसे डेल्टा मॉडल को अपने हिसाब से ट्यून्ड अप करवाऊं, तो वो मेरी सारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, सारा कुछ आपको मैंने वहाँ पे बताया है। नीचे अलॉय व्हील्स की अगर यहाँ पे बात करूँ, बहुत से कमेंट करते हैं लोग भाई अलॉय व्हील के बाद क्या माइलेज रही क्या माइलेज रही। मैंने एक महीना, एक फर्स्ट सर्विस जिस दिन इसकी हो गई थी, मतलब एक महीना जिस दिन इसको हो गया था, अराउंड 24-25 फरवरी को मैंने इसके अंदर अलॉय व्हील्स लगवा दिए थे ये, और उसके बाद से मैं अलॉय व्हील पे ही चला रहा हूँ गाड़ी। 6-7 महीने हो चुके हैं मेरे को गाड़ी अलॉय व्हील पे चलाते हुए। और उसमें अगर मैं बात करूँ तो भाई
बहुत ही अच्छी माइलेज दे रही है। अलॉय व्हील अगर आप अच्छी डलवाते हैं, अच्छी कंपनी का डलवाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। माइलेज से रिलेटेड अगर मैं बात करूं खास करके, तो यहाँ पे आपको ये रियलिटी चेक मैंने दिया कि ये बेकार की बातें हैं। हाँ, अगर आप भाई ओवर द साइज़ जा रहे हो, मैंने गाड़ी के OEM साइज़ को नहीं छेड़ा, ये क्लियर करूं मैं। 17 इंच का इसके अंदर टायर आता है, अगर आप यहाँ पे भी नोटिस डाउन करें, 215/60R17, ये टायर प्रोफाइल मैंने नहीं छेड़ी। जो कंपनी ने मेरे को टायर प्रोफाइल दी थी, जो कंपनी से मेरा अपोलो का टायर आया था, मैंने उसे नहीं छेड़ा। क्योंकि ये गलती नहीं करनी है आपने कभी भी कि आप कंपनी का जो OEM टायर साइज़ है ना, वो मत छेड़ो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका बेस मॉडल है और आप टॉप मॉडल का साइज़ डिफरेंस है, तो आप टॉप मॉडल वाला साइज़ अपनी गाड़ी के अंदर लगा सकते हो। जैसे बहुत सी गाड़ियों में क्या होता है, बेस मॉडल में 195 दिया होता है, टॉप मॉडल में 215 दिया होता है, तो आप वो कर सकते हो। वो भी आपके पास अगर पैसा अच्छा है भाई, लगाना चाहते हो गाड़ी पे, तो वो कर लो। वो क्यों, वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो टॉप मॉडल में आ रहा है, रिकमेंडेड है कार के अंदर कंपनी की तरफ से, तो माइलेज में आपको इशू डाउन नहीं होगा। बट अगर आप भाई इसको हटा के मैं 22 इंची लगवा लूँ इसके अंदर, तो भाई माइलेज तो मेरी गड्ढे में ही जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो वो उन लोगों के लिए है कि भाई जो इतना मेजर अपग्रेड करते हैं अलॉय व्हील के अंदर, कि भाई सीधा सीधा 3-4 इंच जंप मार गए, तो उसमें तो भाई दिक्कत आएगी ही आएगी। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अगर मैं बात करूं भाई, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस गाड़ी के साथ। अभी इंटीरियर मॉडिफिकेशन की इसकी प्रॉपर वीडियो आएगी, मैं सर्च कर रहा हूं कि सबसे अच्छी जगह कौन सी रहेगी इंटीरियर मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो चीज़ रहेगी। और बाकी एक लास्ट मात्र जो चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं, प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम इसके अंदर सिर्फ एक आई मेरे को अभी तक जो कंपनी की तरफ से आई है, और वो चीज़ मेरे भाई ने भी दिसंबर में 2023 में उसने गाड़ी निकलवाई थी ग्रैंड विटारा, दिसंबर में अराउंड फर्स्ट वीक में। तो उसने जो गाड़ी ली ग्रैंड विटारा डेल्टा CNG, और मैंने जनवरी में ली, नए साल में रुक के ली उसको, थोड़ी जल्दी थी। तो हम दोनों की गाड़ियों में सिर्फ एक ही दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ये है कि भाई इसका जो स्टेयरिंग कॉलम है, वो स्टेयरिंग को रोटेट करने के टाइम पे इसके अंदर टक टक कट कट आवाज़ आती है। वो मैं कंपनी में नोट डाउन करवा चुका हूँ, उनको खुद रियलाइज़ हो चुकी है, और उन्होंने एक क्लियर स्टेटमेंट दी है कि भाई ये काम हमारी वजह से, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ भी कह लो, लुब्रिकेशन ग्रीजिंग होगी इसके अंदर, तो वो हमारी तरफ से होगी। और 2 दिन के लिए वो गाड़ी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो मैं अब जल्दी ही ये काम भी करवाऊंगा। और मैं एक और बात बता दूं कि भाई ये अलॉय व्हील की वजह से नहीं हुआ है, मेरे जो भाई की गाड़ी है वो पूरी गाड़ी स्टॉक है, उसके अंदर एकमात्र पैसे की भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रखी, जैसे कंपनी से आई थी वैसे ही है। और हाल फिलहाल में राखी में ही मैंने वो गाड़ी ड्राइव करके देखी, और जैसे ही मैं स्टेयरिंग व्हील पर रोटेशन करा उसको, मैंने स्टेयरिंग व्हील घुमाया किसी भी साइड, तो वो कट कट की आवाज़ उस गाड़ी से भी आई है। तो भाई मुझे ग्रैंड विटारा ओनर से एक हेल्प चाहिए कि क्या आपकी गाड़ी में भी ये आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैंने एक दो रिव्यू और देखे यूट्यूब पर, सर्च किया, तो और भी बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके स्टेयरिंग कॉलम में से बेसिकली ये आवाज़ आ रही है। तो भाई ये ज़रूर मेरे को बता देना। बाकी इस नोट पे इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।